दोस्तों क्या आपको बताएं, चीन का सपना एक सुपर पावर बनने का है। इसलिए ताकत बढ़ाने के साथ ही चीन नए नए एक्सपेरिमेंट को बढ़ावा दे रहा है। चीन ऐसे प्रयोग कर रहा है ताकि दुनिया को चौंका सके और दुनिया उसे कम से कम टेक्नोलॉजी का बादशाह तो जरूर माने। अंतरिक्ष से लेकर जमीन तक कई हैरतअंगेज चीजें बना चुका है चीन, जिनमें से एक है शंघाई टावर। अब आसमान छूते हुए इस इमारत को देखिए, इसका ऊपर हिस्सा बादलों को भी पार कर रहा है। चीन तकनीक के मामले में आसमान छूने की भी हैसियत रखता है। पर शंघाई टावर को फेस स्ट्रक्चर क्यों माना जाता है, जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट है 5000 लाइक। अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है, चाइना की सबसे ऊंची बिल्डिंग शंघाई टावर को बनाने का काम नवंबर 2008 में शुरू हुआ। पर इस शानदार बिल्डिंग को बनाने में लगभग 860 मिलियन डॉलर खर्च किए गए। जब 2014 में इसका काम पूरा हुआ तब यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत बन गई। शंघाई टावर का कुल निर्मित क्षेत्र 5,76,000 वर्ग मीटर है, यानी कि 6.2 मिलियन फीट, जिसमें से लगभग 3,80,000 वर्ग मीटर यानी कि 4.1 मिलियन फीट जमीन के ऊपर है। ये बात आपको बिल्कुल हैरान कर देगी कि इसके बाहर जो आप ग्लास पैनल देख रहे हो, इसमें लगभग 20,000 ग्लास पैनल यूज हुए हैं और वो सभी के सभी ग्लास पैनल अलग अलग शेप्स और साइजेस के है। 5 लाख वर्ग मीटर के इस बिल्डिंग में 128 फ्लोर से। और शायद आपको यह बात हैरान कर देगी कि जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग में 10 या 20 एलिवेटर्स होते हैं, वहां इस बिल्डिंग में 114 एलिवेटर्स है और वो भी दुनिया के सबसे तेज एलिवेटर्स है। दोस्तों शंघाई टावर एकमात्र सुपर टाल इमारत है जो सार्वजनिक स्थानों और आकाश उद्यानों से घिरा हुआ है। ऊपरी मंजिलों में सांस्कृतिक स्थल और अवलोकन डेक है, जिन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल लिफ्ट के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। आप ये बात का यकीन नहीं करोगे कि यह बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि इसमें एक साथ 16,000 लोग ठहर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसमें इतने सारे फीचर्स है तो फिर भी इस बिल्डिंग को फेल स्ट्रक्चर क्यों माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बिल्डिंग में 128 फ्लोर्स में से 50% फ्लोर्स तो खाली ही पड़े हैं। मतलब कि जहां इसे 16,000 लोगों को अगुपाई करने की जगह है, वही इसमें 7 या 8 हज़ार लोग ही रह रहे हैं। और इस वजह से रात में तो इस बिल्डिंग की पूरी लाइट भी नहीं जल पाती। बिल्डिंग्स को जिन्होंने बनाया था उनका यह मानना था कि जो पैसा उन्होंने कंस्ट्रक्शन में लगाए हैं, यानी कि 860 मिलियन डॉलर, उन पैसों को 12 साल में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ और इस वजह से चाइना का ये शंघाई टावर अभी 12,000 करोड़ रुपये के नुकसान में चल रहा है। और साथ ही में जो चाइना का फायर ऑफ सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से भी इस टावर को सेफ नहीं माना जाता, क्योंकि उनका यह कहना है कि अगर मान लो इस बिल्डिंग में सभी मंजिल पर आग लगी तो फायर सेफ्टी वाले इस टावर पर इतना जल्दी उतना ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। और इसलिए सेफ्टी भी और एक कारण है इस टावर को फेल स्ट्रक्चर कहने का। इसके अलावा इस टावर का डिज़ाइन देखने में तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन इसके डिज़ाइन की वजह से भी इसे एक फेल स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि इस बिल्डिंग को बहुत सारी लेयर से कवर किया गया है, जैसे कि ग्लासेस। वैसे तो ये ग्लास पैनल वगैरह हीट और एनर्जी को कंजप्शन करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इन सभी लेयर्स ने बहुत सारी जगह कंज्यूम कर रखी है। जैसा ये बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना बड़ा नहीं होता। यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं, जहाँ इस बिल्डिंग में 16,000 लोग ठहर सकते हैं, वही अगर ये लेयर्स नहीं होती तो इस बिल्डिंग में हो सकता था कि एक टाइम पर 25,000 लोग भी रह पाते। इसलिए इस बिल्डिंग का डिज़ाइन भी एक मेन रीज़न है कि इसे एक फेल स्ट्रक्चर माना जाता है। इसके अलावा इस टावर में एक लग्जरी होटल भी खुलने वाला था, लेकिन अभी तक वो होटल भी नहीं खुल पाया। और साथ ही में जिन्होंने इस टावर में अपने ऑफिस वगैरह किराए पर लिए थे, उनमें से 30% लोग ही इस टावर में आए और बाकियों ने इस टावर पर ऑफिस लेने से मना कर दिया, और वो ऑफिस अभी तक खाली ही पड़े हुए हैं, जिस वजह से इस टावर पर लगने वाला पैसा भी पूरा नहीं हो पाया। दोस्तों हालांकि चाइना की ये बिल्डिंग इकोनॉमिकली ही फेल हुई है, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के नाते हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में या दिनों में इस बिल्डिंग की ग्रोथ होनी शुरू हो जाए। वैसे आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है, दुबई का बुर्ज खलीफा या फिर चाइना का शंघाई टावर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोमांचक फैक्ट्स के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर हाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय।